सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवाम के दलाल जारी हैं। इस सवाल का जवाब भी दूंगा कि क्या मुलजिम का स्टेटस फर्द जुर्म के बाद मिलता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया मुलजिमान का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल सिविल अदालतों के तर्ज पर ही किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी और फैसले में तफसीली वजूहत भी लिखी जाएंगी। 2015 वाले मुलजिमान का स्टेटस क्या था, जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से पूछा गया है। क्या 2015 मुलजिमान हमारे शहरी थे या कलदम तंजीमों के मेंबरान थे, जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से पूछा गया। इन मुलजिमान में शहरी भी थे और कलदम तंजीमों के मेंबरान भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की बात करता है, जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहजेब मलिक से। शाहजेब, समाज से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। के समाज जारी है, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि मजीद जब दलाइल देते हुए कहा कि सवाल जवाब भी दूंगा कि क्या मुलजमान स्टेटस फर्द जुर्म के बाद मिलता है, और जिस पर 9 मई के जो मुलजमान का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल जो है सिविल अदालतों की तर्ज पर ही किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी कराएगी और शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी और फैसले में तफसीली वजूहत भी लिखी जाएंगी, जिस पर जस्टिस जाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि 2015 वाले मुलजमान का स्टेटस क्या था और क्या 2015 के मुलजमान हमारे शहरी थे या कलदम तंजीमों के मेंबरान थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन मुलजमान में शहरी भी थे और कलदम तंजीमों के मेंबरान भी। और अटॉर्नी जनरल की तरफ से मजीद कहा कि ममनू इलाकों और अमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है, जिस पर जस्टिस जाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं, और मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौका अपनाया कि आर्म्ड फोर्सेस से मुलजमान का डायरेक्ट ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं, और जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दी कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की बात करता है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने रिमार्क दी कि आप आर्मी एक्ट का डिबाचा पढ़ें, और जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि कानून पढ़ें तो वाजिया होता है ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, और मजीद कहा कि आप इसके सिविलियन से ताल्लुक कैसे दिखाएंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फराइज सर अंजाम देने का भी कहता है और किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी उससे कानून में जुर्म बन जाता है, लेकिन जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि लेकिन कानून मसला के अंदर मौजूद अपराध की भी बात करता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बात फोर्सेज में डिसिप्लिन की हद तक हो तो ये कानून सिर्फ मसला अपराध के अंदर की बात करता है, जिसे जब ड्यूटी से रोका जाए तो फिर दीगर अपराध भी इसी कानून में आते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क किए कि आपकी तस्वीर जान ली जाए तो आपकी किसी पर भी ये कानून लागू कर देंगे, और मजीद कहा कि ऐसी सूरत में बुनियादी हकूक का क्या होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट वक्ती तौर पर आर्म फोर्सेज के साथ काम करने वालों की बात करता है, ये जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए ये मामला सिर्फ फोर्सेज से मुतलिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईन इस बात को तस्लीम करता है कि आर्म फोर्सेज मेंबरान की ड्यूटी से रोकने वाले आम शहरी भी हो सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि आईन कहता है बुनियादी हकूक के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। अभी जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाल का सिलसिला है तो अभी जारी है। दलाल का सिलसिला जारी है, ठीक है शाहजेब मलिक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।